गुड मॉर्निंग। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रही है? yes, सबको? वेरी गुड yes, आगे बढ़े। yes, बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ तक सवाल किए थे? yes, ये सवाल हो गया था। yes, बहुत ही अच्छी बात है। ये कितना है? 17। 17 चौक शेष गुणा माइनस दो, 17 छीके 102। 17 चौक गुणा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 नहीं तो 24, कितना? 17 से भाग करेंगे तो कितना? बोल दो ना, नहीं आया भैया। अगर 24 शेष बचेगा तो एक और ज्यादा पर चला जाएगा ना। किसको नहीं आया सवाल? बात पक्की? वेरी गुड। इकाई का अंक क्या? वेरी गुड, निमटा दो भंडारा। तीन चार सवाल हो लिए, बढ़िया सवाल आ गया वैसे भी। वेरी गुड, तुम ऐसे भंडारा करते तो बाकी लोग बैठे बैठे क्यों देखते हो? बोले हम पहले करते हैं। बहुत बढ़िया, फिर ये क्या की बात देखे जा? अच्छा मेरी बात देखा ये, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ थोड़े थोड़े, बैठ जाओ, शाबाश। अरे तो बैठने के पीछे ला क्या करें, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं बैठने के, पता है? ले ले भाई अभी 50 रुपए एक्स्ट्रा वाले ले ले। बहुत बढ़िया। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 10 से भाग करने पर आता, कभी भी कोई भी संख्या हो ना, इसका इकाई का अंक ढूंढना हो, 10 चौक 40, 6 3 उतरेगा 6 पर, 60 3 2 उतरेगा। इकाई का अंक कैसे आता है? मेरी बात सभी समझ गए? बात पक्की है? वेरी गुड। कभी भी इकाई का अंक कभी भी पूछे तो कैसे आएगा? 10 से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे तो देखो हमें इकाई का अंक वैसे भी आता है, पावर को 4 से भाग कर, याद है तुम्हें वो बात? पर एक तरीका और भी है, कैसे? वो 10 से ही भाग करते हैं, उसमें इकाई का अंक देखते हैं भाई, 8 4 3 2 7 पावर 9 4 7 6 3, ऐसे कुछ भी लिखे तो इकाई का अंक ही तो लेते हैं। बेस का इकाई का अंक लेते हैं। इसका मतलब यही तो है, बेस को हम 10 से भाग करते हैं। बेस को अगर 0 इकाई का अंक, तो 0 भाई 0 शेष बच गया, नहीं तो जितनी संख्या जितना अंक वही होता है। क्या तुम समझ गए? क्या तुम उस बात को कनेक्ट कर पा रहे हो? अब फिर पावर 4 के बाद फिर ये रिपीट होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो वहीं पर जो है पावर को 4 से भाग करते हैं। सबको आता ना ये बात? वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का सीन तुम्हें दिख नहीं रहा है या दिख रहा है? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये संख्या कितने से भाग होनी चाहिए? 10 से। और क्या तुम्हें फैक्टोरियल का पता है? क्या होता है? क्या होता फैक्टोरियल? जैसे फैक्टोरियल 6 है, हम फैक्टोरियल 6 दो तरीके से लिखते हैं, या तो ऐसे और या तो ऐसे। फैक्टोरियल कितने प्रकार से? एक तो ये ऐसे करके, ये या ऐसे करके। मेरी बात सभी समझ गए? सब समझ गए? आगे बढ़ूं? इसका मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आ रहा समझ में? और इसको भाग कितने से करना है? तो 10 से भाग करने के लिए 5 और 2 होना चाहिए। सबको आया? कभी भी हम 10 से भाग करें तो 5 गुणा 2 10 भाग। सब समझ गए? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें ये फैक्टोरियल समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्की बात है ये? या इसने कहा फैक्टोरियल 1 मतलब 1, और 10 से भाग करेंगे तो 1 ही बचेगा। अभी मैंने जोड़ और अंतर वाली बातें समझाई थी ना, सारे जोड़ के भाग करना चाहिए, अलग 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 जोड़ के जो शेष बचे उनको भाग करना चाहिए फिर, है ना? वेरी गुड। फैक्टोरियल 2 कितना? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 कितना? 24 को 10 से भाग करेंगे तो शेष ना लिख लेंगे, 4 कितना शेष? तो मेरी बात समझ गए क्या? वेरी गुड, मैंने ये हटा दिया। सबको आया ना? नहीं आया तो बोल दो। और जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो उसमें आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे 10। अब 5 दूनी 10 कट गया। अब फैक्टोरियल 6 आएगा तो आया रहेगा, 6 5 दूनी 10 तो कटेगा, 7 आएगा तो 7 आया रहेगा ये तो कटेगा, 8 आएगा 8 आया रहेगा ये तो कटेगा, हाँ या ना? बोलो। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं 10 से पूरी भाग होंगी, सो शेष कितना आएगा? आगे तो जितनी जीरो लगानी हो लगा लो, हमें तो इकाई का अंक चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं, हाँ या ना? 6 और 4 ये भी जीरो हो गया, कितना बच गया? उत्तर। किसको नहीं आया? अब यहाँ 1000 फैक्टोरियल लिख दे, 100 फैक्टोरियल लिख दे, 200 लिख दे, 500 लिख दे, 5000 लिख दे, 5 लाख लिख दे। फैक्टोरियल वाले ऐसे सवाल जब कभी भी होंगे जिसमें प्लस लिख रखा हो, जिसमें उत्तर 3 आएगा, इकाई का अंक रहेगा। ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये सीखना तो है पर आया नहीं है?
पक्का क्या? फैक्टोरियल पांच और उससे बड़ी संख्या दस से भाग होंगी, बात क्लियर? Yes, इसको नहीं आया? Yes, बड़ी खुशी की बात है, अगला सवाल पढ़ेंगे। फैक्टोरियल एक तो है एक, फैक्टोरियल दो है दो, फैक्टोरियल तीन है छह। जब फैक्टोरियल चार आएगा तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा बटे, कट गया ना पूरा, शेष जीरो बोला दो। साठ को तुम बारह से भाग करोगे तो शेष पांच, जब ऐसे पूरा करता है तो पूरा भाग हो गया, शेष कितना? साठ को ऐसे बारह से भाग, बारह पंजे शेष, शेष नहीं लिखते, ये पांच आता है, ये ऐसे काटा तो ये कितना गया? तो कितना गया शेष? कितना शेष अलग है और भाग फल अलग है, बोले ना कुछ हो हम लिखेंगे दो। जब ऐसे पूरा कट गया ना तो शेष कितना? जीरो। बोल तो भागफल रहता है, यहाँ जो रहता है पूरा कटना चाहिए, तुम समझ गए? Yes, ये बात किसको नहीं आई? Yes, पक्की बात है? Yes, तो एक तो ये देखो बारह से कटा नहीं, ये भी कटा नहीं, इतना ही बचेगा, ये भी कटा नहीं, इतना ही बचेगा, लेकिन यहाँ और इससे आगे तो पांच रहेगा, तो ऐसे पांच तभी तो कटेगा, छह रहेगा तभी कटेगा, सात रहेगा तभी कटेगा, आठ रहेगा तभी कटेगा, एक बार कटने लग जाए उसके बाद तो जय श्री राम। हाँ या ना? छह और तीन और एक, अच्छा नौ, तुम सही आदमी हो, छह और तीन नौ और एक भी नौ, ये बहुत बढ़िया, सबको आ गया? वेरी गुड, कोई डाउट है? बहुत ही अच्छे, किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, हर रोज क्लास में यस सर आ गया, और पेपर में मेरा होता है ना सिलेक्शन, इसके बीच में और उसके बीच में प्रैक्टिस आती है, उसके और इसके बीच में क्या आती है? yes, नहीं यार नहीं करा करते, है ना? कितने से भाग करना है? 18 से, फैक्टोरियल 6 जाएगा वहां, 6 और 3 आएगा, yes, तो फैक्टोरियल 6 और उससे आगे वाले कितने पड़ गए? yes, जब कभी भी ऐसा सीन आए, देखो फैक्टोरियल 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 6 आएगा, 24 आएगा, 5 में आएगा 120, 120, 18 से भाग करेंगे तो 18 6 108 12 बच गया, और ये 6 बच गया, है ना? ये 12 और 6 18 बच गया, ये कितना बच गया? कितना? किसको नहीं आया? मैंने जो बोला समझ में आ रहा है? एक आधा क्लास में यहाँ भी ऐसा बैठा मेरा केक ही हमारी समझ में आता है ना, है कदा से समझ में आ गया? वेरी गुड, एक दो छ 24 और इससे आगे तो जीरो, 24 और 6 30 कितना? किसको नहीं आया? आ गया सर। 10 से भाग करके 3 बच रहा था तो 5 में कोई और नहीं आ रहे होंगे, 5 और 10 तो भाई भाई तो होते हैं, अगर 10 से भाग करके 7 बच रहा हो तो 5 से भाग करके 2 बचता, 5 से भाग करके 1 बोला 7 बचता, 5 से अगर बड़ा बच जाएगा 10 से भाग करने में तो 5 को भाग कर देंगे फिर एक बार, 10 से भाग करके 8 बच गया तो 5 से भाग करके 3 बच गया, सो सिंपल, लेकिन अगर 10 से भाग करके 2 बच रहा तो 5 से भाग करके भी 2 ही बचेगा, नहीं आया क्या? पक्की बात है? अरे वाह बहुत बढ़िया, पढ़ो। अरे बुना वालों तुम यहाँ बैठे हो जो थारे ब्याह रहे आज, तीन जने निपटा दिए बुना रहे ना आज, सारे यहाँ बैठे हैं, तुम ब्याह में क्यों नहीं गए? इसे हम बुला ही ना होंगे डाकिया ने, मेरे ख्याल से तो आज ही है ब्याह उनका, और कोई इसने भेज रखा है? कितनी तारीख आज? 25 अच्छा सांझ का ब्याह है, अच्छा अरे तुम्हारा न्योता दे रखा बुना वालों या नहीं दे रखा पहले तो ये बताओ, पिछले ब्याह में डाकिया ने मारा ही ना दिया था, ब्रांचाली का ब्याह था अपने कार्ड दिया ही ना, वो दो चार दिन पास मेरा पटिया जो है वो वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं फलाना ग्रुप में चल रहा है, मान्योते बिना कैसी शुभकामनाएं नहीं, इन बड़का का ना दिया बताओ भाई क्या करें इनका, जो थारा ही ना दिया मारा केस होता है। ये सांसें ना लेते या एक लास इनकी के ना तो ब्याह के नाम पर तो नाचन लागे लेकिन नहीं थे, बोले हाँ तो सही फंस गए, पढ़ाऊँ? yes, कितने से भाग करना है? अब ये एक बच गया, ये दो बच गया, ये छह बच गया, 24 तो 3 बच गया, yes, और 120 तो 1 बच गया, yes, और फिर 6 वाला भी आएगा ना, 720, 720 में कितना बच गया? 6, 720 में 700 तो पूरा हो गया और 6, और फिर 7 से आगे वाले पूरे भाग हो गए, ये बात समझ गए? ये 7 और ये 7, 5 बच गया, कितना बच गया? सबको आया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
भाई साहब पहले ये आना चाहिए था मेरे ख्याल में, वो बात माने चाहिए थे नहीं, वो तो मैंने घाट पटाना था, थोड़ा बहुत तमाम लगड़ पर नहीं हो जाए। सबको आ गया ये? Yes, भाई 24 होता 5 से भाग करेंगे, 4 बज गया। एक आता ऐसा भी जिसको नहीं आया, yes, इनको करना इनसे ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देना इनको। सबको आता है ये? फैक्टोरियल 6 को, फैक्टोरियल कितने से भाग रहे हैं? तो ये बनेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 6 × 5 × 6 × 5 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 ×
नहीं ऐसे कितने जो इनको एकत्र नहीं करवा रखे, कोई बात ना। अब सात से भाग करेंगे, सात से 700 तो पूरा कट गया, 20 रह गया, कितना रूल पकड़ में आया? एक और बना लेते हैं, फैक्टोरियल 3 इज डिवाइडेड बाई 4। ये अभाज्य संख्या होगी ना तब उतना ही बचेगा, ये मेरी बात समझ गए? Yes, तो इसलिए मैंने 4 वाला लिखा था। ये कैसी संख्या लिखी थी? सब समझ गए? Yes, 2 वाले पर चलेगा, फैक्टोरियल 2 और भाग 3, तो ये 2 भाग 3 हो गया, तो शेष कितना बचेगा? ए भाज्य संख्या पर। क्या तुम समझ गए? Yes, कोई डाउट है? No, बहुत अच्छा। भाग करने वाली जो है ना, जैसे ये तो भाग करने वाली है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये अभाज्य है, दूसरी तो हो ही नहीं सकती अभाज्य संख्या, तो 3 और 2 इकट्ठी है, बाकी तो हो ही नहीं सकती, उससे एक कम तक फैक्टोरियल होना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1। और फैक्टोरियल 0? 1। वो भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1। और फैक्टोरियल 1? 1। फैक्टोरियल 2? 2। फैक्टोरियल 3? 3। फैक्टोरियल 4? 5? 6? 7? 8? 40? 9? 36? 288? 0। और 10? 36? 288? 00। अभी नहीं आया? पक्का? ये हर एक बार एक, ये तो एक ही है, एक से गुणा करेंगे, तो 1 × 2 × 2 × 3 × 6 × 6 = 24 × 24 × 5 = 120 ठीका 720 सते 50 40 60 40 320 नीमा और गुणा 10 आया। पक्का आया? अब भाग करना हो 11 से, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 11 कितने से? किसको नहीं आया? बात पक्की है? वेरी गुड। तो 11 से भाग करेंगे, 11 थिया 3 बच गया, 32, 11 दूनी 22, 10 बच गया, 11 निमा 99, 9 बच गया, फिर 11 8 88, 10 बच गया, 11 निमा 99, 1 बच गया, 10 बच गया, कितना बच गया? अब रूल रिकॉग्नाइज हो गया, ऐसी सुविधा भाज्य संख्याओं पर नहीं है। कैसी संख्याओं पर है? अब तुम सभी समझ गए? पक्की बात? उत्तर? उत्तर सबको आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप आ गई, ये कितनी बार गुणा है इसे? 9 से इसको भाग करेंगे तो फिर शेष आया। वेरी गुड। इस बात को तुम ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे सीख सकते हो, ये 37 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 9 × 36 1 बच गया, 1 की पावर 27 कितना बच गया? कोई डाउट है? पक्का है? बिल्कुल पक्का है? आगे बढ़ूं? ऐसे भाग होने में 1 कम या 1 ज्यादा वाला पेपर में आता है, अगर तुम इसको सीख गए तो। ये ज्यादा आता, आते तो पहले सारी चीजें हैं, कभी कोई चीज आ जाती है, बिना आए तो इसमें लिखते नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो हर पेपर में रखे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी आते हैं, ये वाली बात सब में आती है, अगर तुम सीख गए तो अच्छा एहसास होगा। आगे बढ़े, 9 से भाग करेंगे, -1 पावर 21 + 9 कितना शेष बचेगा? ये किसको नहीं आया? इससे भाग होने में, जैसे इसके पहाड़े में 1 कम या 1 ज्यादा मिलने वाला है तुम्हें, ये टाइप ये होती है। तुम सभी समझ गए क्या? कौन नहीं समझ गया? आगे बढ़ू मैं? पक्की बात है? वेरी गुड। कितना? अब यहां से भाग होगा, -1 आएगा, इसकी पावर 20 आएगी, तो 1 उत्तर आएगा। सब समझ गए क्या? पक्की बात है? आगे बढ़ू मैं?
वेरी गुड। दो की पावर 63 को दो की पावर 3 गुणा 21, दो की पावर 3 की पावर 21, 8 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 की पावर 21 माइनस 1 प्लस 9 कितना शेष? सभी को आया क्या? बात पक्की है? अगर ऐसे संख्या डायरेक्ट पहाड़े में नहीं आ रही ना, तो इसका दुगुना 3 गुणा 4 गुणा ऐसे कुछ किसी पावर में उसके नजदीक से मिल जाएगा, उसके नजदीक से मिल जाएगा। क्या तुम समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ूं? बात पक्की? वेरी गुड। सबको आ रहा है? दो की पावर 63 जमा 1, पावर में जमा तब होता जब बेस बराबर हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो इसको लिखेंगे दो की पावर 63 दो की पावर गुणा। सबको आ गया? इसको भाग करेंगे तो शेष झगड़ा रहेगा, इसका भाग है 9 से, तो 2 की पावर 3 की पावर 21, 8 की पावर भाग 9 तो माइनस 1 की पावर 21 माइनस 1 माइनस 1 गुणा 2 माइनस 2 जमा 9 कितना शेष बचेगा? ऐसे कितने हैं जिनको सीखना और नहीं आया? बात पक्की? इसका हम 8 बना लेंगे ना, 8 दूनी 16, 9 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा, तब भी कितना बचेगा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया? बात पक्की? मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही खुशी की बात। 2 की पावर 63 गुणा 2 की पावर 2, ये तो हो गया 4 और ये हो गया माइनस 1 माइनस 4 जमा 9 शेष कितना? किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़े। 2 की पावर 3 सही है मैं तो 2 की पावर 111 गुणा 2 की पावर, अब 2 की पावर 111 है तो 3 से भाग होगा, 2 की पावर 3 की पावर 37 37 ही होता ना। अब यहाँ 8 माइनस 1 हो गया, वही माइनस 1 7 कितना? ऐसे भाग होने के बाद अगर यहाँ सम संख्या आ गया ना 36, बाई चांस 108 होता 109 होता तो फिर 36 आता, फिर उसमें प्लस 1 आता। तुम समझ पा रहे हो? ये सम और विषम पावर की बात समझ में आई? कोई डाउट है? सबको आ रहा है ना समझ में? बात पक्की है? बिल्कुल पक्की है? आगे बढ़ूं मैं? सबको आ रहा है समझ में? तो ये 81 बनेगा, 81 ये 3 की पावर 4 की पावर और भाग, अब ये 81 है, 81 की पावर 17 भाग माइनस 1 की पावर 17 माइनस, तो 81 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? सबको आ गया? बोल दो ना नहीं आया, बड़ी खुशी की बात। 3 की पावर 68 गुणा 3, 3 की पावर 4 की पावर 17 गुणा 3, 81 की पावर 17 गुणा 3, अब भाग 82, अब यहाँ करेंगे माइनस और गुणा, कितना? माइनस जमा 82 उत्तर 70। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना तो है पर आया नहीं है? सबको आ गया? कोई डाउट है? देख लो, बहुत आसान सवाल नहीं है ये। बोलो ना कुछ। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 कह दो नहीं आया, ऐसे तो कहना ही नहीं था। आ गया? जिसे भाग करें से एक कम या एक ज्यादा इसकी पावर में आएगा। सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं मैं? बहुत ही खुशी की बात है। 23 चौक 92 एक बच गया, अभी नहीं आ गया? पक्का आ गया? ऐसे किसी न किसी पहाड़ी वाड़ी में ऐसे आसपास मिलेंगे। बोलो कितना? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। कितना? 17 चौक 68 माइनस 1 की पावर 67 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 17 उत्तर, उत्तर सबको आ गया। 23 चौक 92 माइनस 1 कितना? 23 चौक सम संख्या है, माइनस 1 की पावर 92 तो कितना? कितना बोल दो ना नहीं आया। वेरी गुड। 33 या 93
माइनस वन, माइनस वन की पावर 31, माइनस वन कितना आ रहा है समझ में? पक्का रहा है? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? बहुत ही बढ़िया। कितना बोल दो ना, नहीं आया? माइनस वन आएगा, 29 + 87 माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर 86 कितना आएगा? किसको नहीं आया? बात पक्की है? आगे बढ़े, बोलो ना। 37 × 74 माइनस एक पावर 73 माइनस एक, बोल दो ना, नहीं आया? पक्की बात है? 17 × 17 तो ये 2 की पावर 70 बच गया, भाग 17, ये 2 की पावर 16 बनेगा, 2 की पावर 4 की पावर 17 गुना 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 4 16 की पावर 17 भाग 17 और ये गुना में 2 तो 4 है ही, तो माइनस वन होगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन करेंगे 16, माइनस वन गुना माइनस तो कितना 13, बोलो नहीं आया? सबको आ गया? बिल्कुल पक्का? कई बार ऐसे डायरेक्ट भाग करने में ना आए एक, तो फिर जो शेष बचेगा उसकी पावर का सवाल फिर से बन गया। सब समझ गए? पक्की बात? आगे बढ़े, बोलो। माइनस 2 की पावर 60 या 2 की पावर 60 क्या असर पड़ा? माइनस 2 की पावर या 2 की पावर 60 में क्या असर पड़ेगा? पावर सम संख्या ना, तो प्लस ही हो जाएगा, 5 पावर लेनी पड़ेगी, 2 की पावर 5 की पावर 12 कितना? तो 32 की पावर 12 भाग 31 कितना? बोल दो ना, नहीं आया? पक्का क्या? कोई डाउट है? वेरी गुड। माइनस 2 कितना? सबको आया? पक्का आया? दो तरीके से सीखो इस सवाल को, दो तरीके से। पहले जब हम 8 से इसको भाग करेंगे, 8 × 4 कितना बचा? माइनस 2 की पावर का मतलब 2 की पावर 30 हो गया, 2 की पावर क्या? इसको 2 की पावर 3 की पावर 10 8 की पावर 10 भाग 8 क्या ये कंप्लीट भाग हो गया? 8 की पावर 9 आएगा उत्तर, क्या आया तुम्हें? इसके बावजूद भी अगर हमें 2 से भाग करना तो इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए, 2 से भाग होने की पहचान क्या है? या इकाई के अंक में 0 होना चाहिए, किसी भी संख्या को 2 से भाग करना है तो इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए या इकाई के अंक में, सब समझ रहे हैं? 4 से भाग करने के लिए इकाई और दहाई दो अंकों से बनी संख्या 4 से या 2 अंकों में या 2 अंकों में तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, हाँ या ना? सब समझ रहे हैं? अगर हमें 8 से भाग करना हो, 8 से भाग इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या 8 से या 3 अंकों में, क्या 3 अंकों में 0 आ जाएगा? बोलो भाई, 3 को 30 बार गुणा करेंगे, 0 को 30 बार गुणा करेंगे, तो भाग करेंगे 8 से, क्या 8 से भाग हो जाएगा और पूरा भाग हो गया तो शेष, बोल दो नहीं आया? बात पक्की? आगे बढ़ू मैं? वेरी गुड। 15 × 5 = 75 4 की पावर 80 भाग 15 4 की पावर 2 16 की पावर 40 भाग 15 1 की पावर 40 एक आया? सबको आ गया? वेरी गुड। 17 × 68 2 की पावर 17 2 की पावर 16 × 2 की पावर 1 2 की पावर 16 है, इसको 16 बनाना पड़ेगा, 2 की पावर 4 की पावर 4 गुना 2 की पावर 1 16 की पावर 4 गुना 2 यही ना, भाग 17, इसे भाग करेंगे माइनस 1 पूरा 1 गुणा 2 कितना शेष बचेगा? किसको नहीं आ रहा? झूठिया मत करना, पक्की बात है? वेरी गुड। आज इतना ही पढ़ाता हूँ, एक दिन में ओवर फ्लो नहीं करना चाहिए मामला। कल की छुट्टी क्यों है? वो भारत बंद तो जो 11 से और 1 बजे तक जो थोड़ी देर का वो सांकेतिक बंद होता है, ऐसे कहते रहते हैं जैसे, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम छुट्टी करना चाहो तो हम तो बेहद थके हुए हैं, आराम से सोएंगे सब, क्लासेस की रैली निकल रही है बस सभी टीचर्स की, सुबह जो है 9 से 2 बजे तक तो यहाँ खड़े रहते हैं, फिर 3 से 7 ट्यूशन्स में, क्यों? कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को लगेगा ऐसा, देखो क्या ये वो फलाना उस लेवल पर पहुंच गए, नहीं? तुम लोगों में से जिसको ऐसा लगता है तो तुम्हारे सामने सीन है ये, 9 बजे से और 2 बजे तक यहां रहते हैं मामला, 2 PM और 3 PM से 7 PM ट्यूशन में रहते हैं,
सभी टीचर्स, जो घिसेगा वही चमकेगा। ये तो क्लास है बस, ये तो बस क्या है, ये तो बस क्लास है। 200 प्लस ब्रांचेस का नेटवर्क ये है और 150 प्लस में क्लासेस चल चुके हैं। मार्च में 200 प्लस में क्लास यहां चल जाएंगे। 200 नए आदमियों को ट्रेन करना, 200 नए आदमियों के ऊपर काम करना, ये काम चल रहा है आजकल। और बीच बीच में तुम्हारे व्हाट्सएप भी देख लेता हूं मैं, या नहीं? चेहरे पर तनाव तो नहीं दिखता रहता ना? है भी नहीं? चेहरे पर तनाव होगा तो दिखेगा कैसे? नहीं ये बताओ, कुछ लोग कल मेरे पास ऑफिस में बैठे थे, किसको लग रहा था मैं टेंस बैठा हुआ कि आज मेरे नशान क्या होगा, आज तड़के क्या होगा, कल क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हो? आज भी नए वाले थे ग्रुप वाले, तो बाबा जी तो हर जगह होते हैं, क्या नहीं होते? एक बोला बोला गुड मॉर्निंग करना होना तो ग्रुप में मत करा करो, सर को पर्सनल करा करो। मैं पर्सनल करेंगे तो 200 ब्रांच, और दो दो आदमी तो कम से कम ब्रांच में है तो 400 आदमी पर्सनल गुड मॉर्निंग करने लग गए, तो मैंने और काम करने की जरूरत है ना? क्या है फिर कोई समझो हमारी क्लास में, उस बच्चे को ये समझ में नहीं आया, मैं ऐसा करना ही मत आज के बाद। ग्रुप में लिखना कोई भी कमी है, कोई भी खूबी है, या कोई भी तुम्हें रिपोर्ट देनी है तो वो ग्रुप में देनी, पर्सनल रिपोर्ट नहीं देनी। बोले नहीं, कुछ लोग ये सोचेंगे, मैं कोई कुछ सोचे, तुम्हारी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, या कुछ भी है, सीधा ग्रुप के अंदर डालना है, वो इन्फॉर्मेशन सब लोगों को तक संप्रेषित हो जाएगी। 200 नए आदमी, नया सेटअप चलता हो और उनके ग्रुप बने हुए हो तो कितने मैसेज होते होंगे? ईच एंड एवरी मैसेज रिप्लाइड होता है मेरे द्वारा। किसी तुम लोगों को ये लगता हो ना कि हम काम कम ज्यादा ऐसा वैसा ये हो रहा वो रहा, किसी को ऐसा बहम हो, तो जो हम यहां खड़े होकर के ये बातें बोलते ना उसके पीछे घिसावट है। एक भी सैटरडे और संडे कभी भी जब ये सेंटर चालू हुआ था यहां नहीं रहा मैं। सोमवार से शुक्रवार क्लास, अब शनिवार को मैं कौन सी ब्रांच पर इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा? दोपहर में गुहाना जो गुड़गांव जो होता था इंडिया न्यूज हरियाणा, क्या नाम था, हरियाणा न्यूज पर प्रोग्राम 2:30 से 3, और फिर वो प्रोग्राम करके जो है कभी सिरसा हिसार उधर, फिर वापस आता हुआ, फिर प्रोग्राम करके फिर वापस, और फिर वही क्लासेस। ये जो चीजें खड़ी है ना तुम्हें जो ऐसे दिख रही है, किस्मत से, किस्मत से नहीं, घिसाई से खड़ी होती है, क्या नहीं? दो महीने का काम लगा लो, तीन का लगा लो, चार का लगा लो। कल मैंने पढ़ाया था दसवीं क्लास का पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो अक्सर लोगों को नहीं आता समझ में। हम भी देखेंगे बच्चे कैसे मुश्किल करेंगे मैथ, अब नहीं थी ना तुम्हारे सामने चैलेंज मैथ, अब नहीं रहने वाला। जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ ना सब कुछ, ऐसे ही पढ़ाऊंगा वहां सब कुछ, ऐसा नहीं कि वैसे